हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सरपुतिया की सब्ज़ी बिना मतलब प्याज के कैसे बनाते हैं। तो सरपुतिया की सब्ज़ी को पहले हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने सरपुतिया को अच्छे से छोटे छोटे स्लाइसेस कट कर लिए हैं और लहसुन और मिर्च को अलग से काट के और लहसुन को छिल लिया है। तो हम गैस को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इस कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में आज सरसों के तेल में बहुत ही मतलब अच्छा बनता है, तो सरसों का तेल ही ज़्यादातर मैं कहूँगी कि यूज करें। और बट आप लोगों को जिसको जो पसंद हो वो यूज कर सकता है। तो देखिए, इसे अच्छे से हम हल्का सा जब ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें जो बाकी हमने सरपुतिया जो काट के रखी हुई है उसे भी इसमें इस तरीके से ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए हम ढक देंगे। तो पहले हमें इसमें सारी ऐसे ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद ही हमें इसे ढकना है। तो देखिए, मैंने कट किया था सब इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये गलने के बाद बहुत थोड़ा सा ही होता है। तो ये आधा किलो से ज़्यादा ही थी, आधा के जो होता है, तो आप जितना भी आप बना सकते हैं। देखिए ये किस तरीके से मतलब इसमें बनाई गई है। देखिए, इसे अच्छे से इस तरीके से पूरा तेल और मिर्च लहसुन सब एक ही में मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर इसे हम अच्छे से ढक देंगे। ढकने के बाद एक बार फिर हमने इसे खोल के देखा तो ये पूरा मतलब थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया और पानी भी छोड़ना शुरू हो गया। तो देखिए लास्ट में उसके बाद क्या होता है कि पूरी अच्छी तरीके से पक के रेडी हो जाती है। अभी भी हमें थोड़ा सा गलाना है इसे, तो फिर से हम इसे एक बार और ढक दें। तो ढकने के बाद देखिए इसका इस तरीके से फ्लेवर आया और ये अब पक के रेडी हो गई। तो इसमें हम हल्का सा स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। अभी भी इस तरीके से, अगर आपके पास मसलने वाला हो, आलू उलू वगैरह जो जो चीज़ें आप मसलते हैं, तो इस तरीके से रहता है सभी लोगों के पास। तो जिसके पास हो तो ना हो तो इस तरीके से पलटी की सहायता से अच्छे से मसल सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल भी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। तो हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। तो थोड़ा सा मतलब हमने चला दिया है, अब एक बाउल लेंगे, उसमें हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम निकालेंगे। तो सारी चीज़ें एक में हम मिक्स कर लिए और बाउल में ये निकाल लिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसे बनाना बिल्कुल भी आसान है और कोई भी इसे झटपट बना के खा सकता है। तो ये बहुत ही मीठी और चटपटी होती है, तो बहुत लोगों को ये बहुत ही पसंद होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि हर तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय माता दी।